कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। कौन कौन से दिग्गज आज कर्नाटक में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं? कर्नाटक चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए अब देखिए कर्नाटक इलेक्शन टॉप 9। कर्नाटक चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा, इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों मुख्य दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक के मैसूरू के नंजनगूड में कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के लोग कहते हैं कि वो कर्नाटक की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के संदेश जो कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं होने देंगे, कर्नाटक का सम्मान और अखंडता बनाए रखने के लिए कांग्रेस हर कोशिश करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कर्नाटक में बीजेपी को बहुमत से 15 सीटें ज्यादा मिलने का दावा किया। येदियुरप्पा जी और बसवराज जी ने जो 4 साल काम किया है, इसके बाद कर्नाटक की जनता ने डबल इंजन सरकार के बेनिफिट्स को अनुभव भी किया है, देखा भी है और स्वागत भी किया। अमित शाह ने टीवी 9 से कहा कि कांग्रेस के 40% कमीशन के आरोप निराधार हैं। बिना आधार के आरोप लगाना कांग्रेस की आदत है। इस प्रकार से 40% कमीशन के आरोप का आधार एक भी कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है और आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष, जिन पर ईडी का चार्जशीट। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर वोट के लिए नोट बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि बांटे जा रहे रुपए आखिर कहां से आ रहे हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा आज प्रचार के आखिरी दिन कई विधानसभा सीटों के तूफानी दौरे पर हैं। कई जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। दोनों नेता कर्नाटक की जनता से डबल इंजन सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक की कलबुर्गी साउथ और बेल्लारी में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले कल उन्होंने एक जनसभा में बीजेपी पर खुद और पूरे परिवार को मरवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रचार के आखिरी दिन कर्नाटक के चिकपेट और विजयनगर में रोड शो कर रही हैं। इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी करेंगी। प्रियंका बीजेपी पर हमला करते हुए कह चुकी हैं, कर्नाटक में बीजेपी का महंगाई और भ्रष्टाचार का आतंक है।